कुछ मीठा खाना है और ज़्यादा तामझाम नहीं करनी है, तो आज हम बनाएंगे ऐसी रेसिपी, वो है फालूदा। तो फालूदा बनाने के लिए हमें चाहिए फालूदा मिक्स। फालूदा मिक्स का यूज़ करेंगे तो ये रेसिपी फटाफट 5 से 10 मिनट में बन जाएगी। मार्केट में फालूदा के बहुत सारे फ्लेवर अवेलेबल हैं, लेकिन आज मैंने लिया है केसर फ्लेवर फालूदा। इससे पहले मैंने रोज़ फ्लेवर भी ट्राई किया हुआ है, तो देखते हैं दोनों की कंपैरिजन करते हैं कौन सा टेस्ट ज़्यादा बेटर है। तो फालूदा बनाते हैं फटाफट। तो फालूदा बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1/2 पैकेट फालूदा मिक्स और 1/2 लीटर दूध। अगर आपको पूरा पैकेट बनाना है तो आपको 1 लीटर दूध लेना पड़ेगा। तो फालूदा बनाने के लिए 1/2 पैकेट मिक्स को पैन में डालना है, उसमें 1/2 लीटर दूध डालना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे उसको कंटिन्यूसली चलाते हुए पकाना है। कंटिन्यूसली चलाएंगे तो नीचे मिक्सर चिपकेगा नहीं और 5 से 7 मिनट में हमारा फालूदा रेडी हो जाएगा। तो उसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर देना है और उसको रूम टेम्परेचर पे आने देना है। फालूदा रूम टेम्परेचर पे आ जाए उसके बाद उसको रखना है फ्रिज में ठंडा होने के लिए, और ये फ्रिज में एकदम ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम उसको सर्व करेंगे। तो ये हमारा फालूदा एकदम ठंडा हो चुका है और मस्त रेडी हो चुका है। तो उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक ग्लास लेना है और उसके अंदर हम ये फालूदा सर्व कर देंगे। और ऊपर से आप ड्राई फ्रूट वगैरह डाल सकते हो, काजू बादाम पिस्ता आपके पास जो अवेलेबल हो डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे वनीला आइसक्रीम लिया है और थोड़ा सा केसर, और ये हमारा केसर फ्लेवर फालूदा रेडी है और ये टेस्ट कराएंगे रुद्र को। तो रुद्र ने ये फालूदा ट्राई किया तो उसको रोज़ फ्लेवर की कंपेरिजन में ये फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगा, केसर फ्लेवर उसको बहुत ही पसंद आया है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना, मार्केट जाइए फटाफट से ये मिक्स ले आइए और घर पे ट्राई कीजिए। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, एंड हाँ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट कमेंट कर देना। ओके बाय।